नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैंसर जैसे घातक रोग का जब नाम आता है तो अच्छे अच्छों के हाथ पर ठंडे हो जाते हैं, और ये एक ऐसा रोग है जो अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर ये ऑलमोस्ट लाइलाज हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल पर अगर आत्ममंथन करें तो हम एक चीज तो उजागर पक्का होगी कि कहीं ना कहीं इन घातक बीमारियों के जो रूट कॉज हैं वो हमारा परफेक्ट लाइफस्टाइल का फेलियर है। बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं अलाइंड नहीं है, तो ये घातक रोगों की एंट्री हमारी लाइफ में होती है। देखिए, सबसे पहले तो जो कैंसर का मुख्य कारण है वो आपकी बेसिकली लाइफस्टाइल और डाइट। लाइफस्टाइल में अब देखिए, कई लोग मैंने देखा है अल्कोहलिज्म, उनकी अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में अल्कोहल लेंगे, टोबैको का यूज करेंगे, गुटके, ये सब जो भी नेगेटिव फूड माना जाता है, ट्रेड्स माने जाते हैं, वो उस चीज का जरूर प्रयोग करते हैं, और फिर वो कैंसर के या कोई बाकी घातक डिजीज के फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होती है। ड्रग्स भी लेते हैं कई लोग, मैंने देखा है, और कुछ हद तक आजकल खान पान भी इस तरीके का आ रहा है, पेस्टिसाइड्स वगैरह इतनी ज्यादा आ रही हैं, प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा हो गया है जो ये चीजें मैनिफेस्ट करता है। देखिए, एक चीज को ध्यान रखिए कि जो कैंसर की बीमारी है ये एसिडिक बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। जब बॉडी का नेचर बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है तो कैंसर मैनिफेस्ट होता है, और जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं इनको बहुत पर्याप्त मात्रा में डाइट चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है। तो यदि अगर आप फास्टिंग पे आ जाएं तो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पनप नहीं पाती। आप फास्टिंग बार बार करेंगे और बॉडी को अल्कलाइन कोशिश रखने की कोशिश करेंगे तो कैंसर फिर खत्म हो जाता है। और यदि अगर आप शुरू से बॉडी को अल्कलाइन रखेंगे और अपना अपना जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज रखेंगे लाइफ के साथ, ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे यदि आप, तो आप देखेंगे ये बीमारियां आपके लाइफ में फिर एंटर नहीं हो सकती। ज्यादा खाना भी देखिए बीमारियों को निमंत्रण देता है, तो उतना ही खाइए जितना जरूरी हो, और कोशिश कीजिए कुछ जो भी खाएं आप 8 घंटे का गैप दें उसके मील्स के अंदर आप, और महीने में या हफ्ते में, तो मेरे हिसाब से हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग जरूर कीजिए। और जब फास्टिंग हम करते हैं तो हम अपनी बॉडी के बेसिकली सिस्टम को हम टाइम देते हैं हील होने के लिए। इसमें डाइजेशन भी है, माइंड भी है, जितने सिस्टम में बॉडी के सारे सबको हील होने का टाइम मिल जाता है। अब क्या होता है कि हम अभी बॉडी खाना पचाने में अपनी शक्ति लगा रहा होता है, हम ऊपर से और खा लेते हैं तो डाइजेशन को आराम नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं होती, मान लीजिए किसी डिप्रेशन की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, तो भी बॉडी हील नहीं हो पाती, तो भी ये चीजें मैनिफेस्ट होती हैं कैंसर जैसी बीमारियां। तो कहने का तात्पर्य कि इमोशनल अब्यूज या इमोशनल अनस्टेबल होना मनुष्य का, ये भी इन रोगों को निमंत्रण देता है। तो कोशिश कीजिए आप नेगेटिव इमोशन से दूर रहिए, जिसमें एंगर, हेट्रेड, जेलसी, इरिटेशन, इरिटेटेड रहना हमेशा, तो ये जो चीजें हैं ये कैंसर को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, और भी घातक बीमारियां और तरीके की जो होती हैं हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट कर सकती हैं। और कोशिश कीजिए अपने आप को काम रखिए, अपने इनर सेल्फ को काम रखिए, और इनर सेल्फ को देखिए काम आप तभी रख सकते हैं जब आप मेडिटेशन करें रेगुलरली। तो मेडिटेशन या ध्यान या भक्ति में अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, इससे देखिए हमारा हमारे मन को और दिमाग को शांति मिलती है, तो अंदर पीस रहता है, तो अंदर पीस रहेगा तो इमोशंस भी सेटल्ड रहेंगे काफी हद तक। और एक जीरो स्टेट का मैंने अपना एक मेडिटेशन का वीडियो बनाया, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा उसको। यदि वो भी अगर आप 20 से 30 मिनट अगर हर रोज करते हैं तो आपको काफी हद तक अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे कंट्रोल रहेगा हमेशा। अच्छा, अब बात ये कि कई बार कईयों को मत देने की भी कोशिश करते हैं तो आगे से आर्ग्यू करते हैं। जैसे किसी को अगर मैं बोलता हूँ कि शराब छोड़ दीजिए या सिगरेट छोड़ दीजिए, तंबाकू का उपयोग छोड़ दीजिए, तो ये आगे से वो ये मिस आर्ग्यू ये करते हैं कि फलाना आदमी है वो तो इतने साल से कर रहा है, उसको तो कोई कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैंने एक को जवाब दिया, मैंने कहा उसने अपने सर पे जोर से डंडा मारा है
और उसकी किस्मत अच्छी है कि उसका सर नहीं फटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डंडा उठा के हम अपने सर पे मार देंगे, है ना। और हर एक की, हर इंसान की देखिए क्या होता है, उसका डीएनए अलग होता है, उसकी जेनेटिक अरेंजमेंट अलग होती है और उसकी बॉडी अलग होती है, बॉडी की तासीर अलग होती है हर इंसान को। तो कोई चीज कई बार क्या होता है, किसी को लेट हार्म करती है, किसी को बहुत जल्दी कर देती है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग चाहे आज ठीक है इन चीजों को सेवन करने के बावजूद भी, लेकिन हो सकता है उससे बेहतर होते, हो सकता है उनकी हेल्थ स्टेट और बेहतर होती, हो सकता है उनकी लॉन्गिविटी ज्यादा होती। लेकिन ये चीज हम ना माइंड में सोचते नहीं है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हमें कोई भी जब ऐप करते हैं तो हमें बेसिकली रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए, हाँ ये मैं कर लूं। आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं बहुत वाइज मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन इन आदतों के आगे फिर वो हथियार डाल देते हैं, रॉन्ग जस्टिफिकेशन, रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं। अंदर से उन्हें पता होता है कि हम गलत समझ रहे हैं और गलत जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस बात की, लेकिन फिर भी देते हैं वो, चाहे ईगो प्रॉब्लम कह लो या फॉल्स ईगो कह लो, कुछ भी कह लो उसको आप। तो इनर सेल्फ पर देखिए काम होना बहुत जरूरी है, और बैड हैबिट से आप दूर रहिए, अपना डाइट प्लान अच्छे से इसको प्लान कीजिए, और उसमें देखिए फ्रूट्स काफी इंक्लूड कीजिए, और फ्रूट्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स ले सकते हैं आप, जिनमें हाईली विटामिन सी हो और एंटीऑक्सीडेंट्स हो, या बाकी डाइट भी इस तरीके की ले सकते हैं जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जिसमें से आप आंवला ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, और काफी चीजें आयुर्वेद में तो बहुत चीजें उपलब्ध हैं इस तरीके की जो बॉडी को बेसिकली एकदम से नया कर देते हैं। पुनर्नवा एक हर्ब है, आप उसका भी काफी दवाइयों में उपयोग होता है, मैंने देखा है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें अगर आप यूज करेंगे आप तो ये घातक बीमारियों से तो आप दूर रहेंगे, लेकिन साथ साथ डाइट के साथ साथ ये तो फिजिकल बॉडी के लिए होगी, तो आपकी जो बेसिकली जो एनर्जी बॉडी है जिसमें इमोशंस मैनिफेस्ट होते हैं, उसका भी ये देखिए हेल्दी रहना, हेल्दी स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप रेगुलरली आप मेडिटेशन कीजिए, प्लस नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न से, नेगेटिव थॉट्स से, और नेगेटिव ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, एंगर बताया जिसमें, इरिटेशन मैंने बताई है, जेलिसी मैंने बताई है उसमें, और हेट्रेड, ये सारी चीजें इनसे दूर रहिए, और ज्यादा आर्गुमेंट्स में कभी किसी से मत पड़िए, किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अपना लाइफस्टाइल खुद हमने डिजाइन करना है, हमारी अपनी जरूरत है, हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी नीड्स हैं, और हर एक एक अपने सरकमस्टेंसेस हैं। किसी को अगर कोई कुछ अगर गलत लाइफस्टाइल वो व्यतीत कर भी रहा है और वो अगर ठीक भी है, तो उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो उससे अच्छी, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला, हमें तो हर एक से अच्छी आदत लेनी है, ये नहीं कि उसकी गंदी आदतों पर फोकस होकर उसकी गंदी आदतें अपने अंदर लेनी है। कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है, आत्ममंथन का टाइम ही नहीं देते अपने आप को, बहुत इंपल्सिवली बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंपल्सिवली हमेशा रहेंगे तो फिर क्या होगा, बेसिकली पूरी लाइफ ही धीरे धीरे क्योस में आ जाएगी। कैंसर जैसी और घातक बीमारियों से दूर रहने के लिए आज मैंने काफी पॉइंट्स आपको बताए हैं, काफी चीजें बताई हैं, यदि अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो आई डोंट थिंक ये बीमारियां कभी भी आपके नजदीक भी आएंगी। और ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, आप ये उनको भी बांटिए, चाहे तो वीडियो शेयर कीजिए, अगर वीडियो शेयर नहीं करना चाहते तो आप वर्बली खुद बता सकते हैं उनको, और काफी लोगों को मैंने जिनको बताया उनको काफी हेल्प मिली है, और सिंपल सी चीजें हैं, कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई, बहुत हम्बली और सिंपली वे में जो जो चीजें प्रेजेंट हो सकती थी मैंने आपको बताई हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इनके ऊपर कुछ कुछ बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ अपनी आदतें सुधारनी है, मेडिटेशन को इंक्लूड करना है लाइफस्टाइल में, प्रॉपर डाइट चार्ट लेना है, और हो सके तो योगा जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, जिसमें फिजिकल योगा भी मैं बता रहा हूँ वो भी इंक्लूड कीजिए, और ध्यान योग वो भी बड़ा मस्त है। ये अगर आप चीजें आई थिंक इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी घातक बीमारी इतनी जल्दी पकड़ने वाली है। और वैसे भी आयुर्वेद में बोला गया कि अगर इस तरीके से अपना कोई लाइफस्टाइल व्यतीत करता है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी 100 साल से कम आयु नहीं हो सकती, 100 साल वो हेल्दी जीवन जिएगा, बाकी अमर तो देखिए कोई भी नहीं है, लेकिन जितना जिए लंबा जिए और स्वस्थ होके जिए, क्वालिटी
क्वालिटी लाइफ जिए, यही हमारा ध्येय है इस वीडियो को बनाने का। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बीमारी आप लोगों के आसपास ना आए, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके से बनाएं वो आपको सदबुद्धि दें। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हो सके तो ज़रूर कमेंट दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अगर यदि आपका कोई परामर्श या कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें, मैं उसको पर्सनली पढ़ता हूँ, मैं ज़रूर रिवर्ट करता हूँ उसके ऊपर। तो आप करिएगा इस तरीके से। नमस्कार।